आय वासुदेवाय हरे परमात्मने करत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः ठाकुरहं रामण विहारि अमहे रामण विहारि के से परिचय कराते हुए नारद जी कहते सत्न कामय माना निरोध रूप भगवान की या किसी की भक्ति करने वाला अपने लिए कोई कामना नहीं करता। अपने लिए समस्त लौकिक और वैदिक कर्म ये सब भगवत अर्पित करने की बुद्धि से ही शास्त्र की विधि का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन उस विधि का पालन करते हुए उसकी इच्छा या संकल्प वैदिक कर्म भी करेगा, गणपत पूजन भी करेगा, गणपति तो ये सब करेगा अवश्य, लेकिन उसका फल क्या है? तो जैसे तुलसीदास जी कहते हैं गाइए गणपति जगवंदन, गणेश जी की स्तुति करते शंकर सुवन भवानी विद्या बारे विधाता मोदक विधाता ये सब करके, लेकिन तो गणेश जी पूजा कहे थे तो हमारी पूजा कर रहे हो तो मांगत तुलसी दास कल बसंग राम उसके मानस प्रभु आपकी भक्ति मैं इसलिए कर रहा हूं
कि आपकी कृपा से सियाराम जी की भक्ति हमें प्राप्त। लौकिक कर्म भी जो वो करेगा वो सबका सब भगवान की प्रीति के लिए। अर्जुन ने एक बार भगवान से पूछा, ये गोपिका गोपिका आप बड़े लगे रहते हो, ऐसा हमने खास तो देखा नहीं। तो उन्होंने कहा भगवान ने कि अगर वो अपना अंग प्रक्षालन भी करती है, अपने अंग में श्रृंगार भी धारण करती है, तो उनको अपनी सजावट या अपने श्रृंगार का संकल्प नहीं। श्री कृष्ण को हमें सुंदर देख के श्रृंगार में देख के प्रसन्नता होगी, इसलिए वो श्रृंगार। उनका प्रेम वासनामय नहीं, प्रेम में और काम में एक बाल के बराबर अंतर है बस। सारी क्रियाएं एक जैसी होती है, लेकिन काम में वो अपने सुख के लिए भक्ति में सतु न कामय माना, भक्ति में अपने लिए कुछ नहीं। काम अपने संतुष्ट के संतुष्टि की इच्छा करता है, प्रेम अपने प्रेमास्पद की संतुष्टि की इच्छा करता है, अभिप्सा करता है। भगवान की भक्ति भगवान की प्रिया है और काम भगवान का पुत्र है, दोनों ही श्याम सुंदर है, दोनों ही अनंत सौंदर्य माधुर्य के धारण करने वाले हैं, लेकिन भक्ति की प्रियतम प्रभु है, काम उनका पुत्र है, इसलिए वो भावना। तो क्रिया मुख्य नहीं है, भावना मुख्य। सतु न काम है, दूसरे की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए जो किया जाए वो करिए। जो तनख्वाह के लिए, आदर के लिए किसी पद आदि के लोग से सेवा करता है वो प्रेम नहीं है। जो केवल अपने स्वामी के प्रेम के लिए ही सेवा करता है उसमें अपनी कोई कामना है ही नहीं। और ऐसे समर्पित व्यक्ति को स्वामी के मन की इच्छा क्या है वो अपने आप प्रकट हो जाती है, ये हमने अनुभव करके अपने घर में देखा, अभी भी देखता हूं। अब कोई हमारे मन में इच्छा आती है उसको अवश्य पता चल जाता कि ये तो हमको भी आश्चर्य प्रसन्नता। तो जो परिपूर्ण समर्पित होता है, जो प्रेम करता है, उसके अंदर स्वाभाविक स्फोट होता है, स्फुटन होता है, ये करेंगे कि हमारे प्रियतम प्रसन्न। मान करती है भूमिकाएं तो वो भी कृष्ण की प्रेम के लिए, आलिंगन करती है तो भी कृष्ण के लिए। उनका नहाना धोना, भोजन बनाना, भोजन करना, सोना, ये सब भगवान के लिए, इसलिए शयन करती है
ताकि हम भगवान की सेवा करने के सक्षम हो जाए। स्नान इसलिए करते हैं कि हम भगवत भोग्य बन सके, उनका श्रृंगार भगवान भगवत भोग्य बनते हैं, नैवेद्य भगवान को अर्पित करते हैं। तदर्पिता खिला जा रहा काम क्रोध आदि तस्मिन् एव गतः। काम क्रोध लोभ आदि जितने भी हैं ये सब के सब अपने लिए किए जाए तो काम हो गया, और भगवान के लिए किए जाए तो प्रेम और भक्ति हो गई। और इसीलिए गोपिकाओं को प्रेम से मिल गए गोप्या कामा काम से, कंस को भय से मिल गए, द्वेष करने वालों को चैत्यादि लड़कों मिल गए, अपना परिवार समझने वालों को मिल गए, अपना भाई मानने वाले को मिल गए, अर्जुन तो सखा ही मानता है। तो किसी भी प्रकार से यदि प्रेम भगवान के प्रति है, वो चाहे क्रोध हो चाहे ऐसे, वो सबका सब कह जाता है। बाली ने बड़े कठोर कठोर से भगवान को सुना है, लेकिन अंदर प्रीति है, और पता चला कि भैया अचल गौड़ा हो धर्म है। हमने जो कहा वो कह जाता है, लेकिन हमारा प्रेम तो आपसे, अरे हमारे तुलसीदास जी की दृष्टि तो विदर्भ, चलो रावण को भी भगवान का भक्त मान, भैया तामस रे है, हमने भजन तो होने वाला है, इसलिए भगवान से तामस वाला कर्म करेंगे, युद्ध करेंगे, तलवार चमकाएंगे। तो इसलिए भक्ति भगवान के लिए, काम अपने लिए, प्रेम प्रेमास्पद के लिए, काम स्वार्थ के लिए। जो चीज हमको स्वार्थ की ओर ले जाए उससे अपने को निरोध करना है, और जो चीज हमको भगवान की ओर ले जाए उसकी ओर और गति करना। निरोध का तात्पर्य है भगवत प्रसन्नता के विपरीत कोई भी कार्य करने का मन में संकल्प नहीं, जो भी कर्म करे वो भगवत प्रीत्यर्थ ही करे, ये भक्ति का लक्षण होगा। जा भेसा मारा साई दीजे सोई श्रृंगार, जिस श्रृंगार से हमारे भगवान प्रसन्न हो वही हम श्रृंगार करेंगे, हम वही आचरण करेंगे। अगर कहेंगे युद्ध करो तो युद्ध करेंगे, गाली दो तो गाली भी देंगे, और कहेगा आई लव यू हो तो बिखरेंगे। ये नाप्य न मति कृष्ण निवेश है, कृष्ण में मति लगे यही प्रेम यही मति है। भगवान भक्ति आपके हृदय में जागृत होगी, परमात्मा से जय श्री कृष्ण।